मैं यहीं अपने जॉब करता हूँ लोकल में नीमड़ा में कंपनी में एज ए इंजीनियर। तो यहाँ थोड़ा टाइम को देखते हुए कि हमारे पास टाइम भी है, जगह की लोकेशन भी अच्छी है यहाँ पे, और ये ब्रीड भी अच्छी है। अच्छा, तो इस ब्रीड से ना मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाव है इससे, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा इन्वॉल्व हो गया मैं इसमें। अच्छा, सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा सर। सर आपका परिचय दे दीजिए सर। सर मैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के ग्राम नागौड़ी नीमड़ा तहसील में। आप बकरी पालन का आप काम कर रहे हैं ना? जी सर। तो पहले भी मैंने आपका शूट किया था। हाँ आए थे एक बार सर। काफ़ी जो अच्छा आपने फार्म बनाया था, कम कीमत का जो फार्म बनता हाँ, है हाँ जी। शेड बनता है वो आपने बनाया था, उसका हमने शूट किया था। जी जी। और पहले भी आपका सिरोही का और जखराना का जो बकरी का था वो था आपके पास। जी बिल्कुल। तो अभी क्या आपने प्रोग्रेस करी है और अभी कौन सा आप बकरी पालन का कर रहे हैं? सर मेरे पास वैसे स्पेशल देखा जाए तो जखराना का ही काम है। जी जी। बाकी मैं सिरोही बकरियाँ रखता हूँ। तो जखराना का जो पालन करने का है तो वो क्या आपके यहाँ पे एक क्षेत्रीय है या मतलब क्या? नहीं ये हमारे क्षेत्रीय है, बोले तो लोकल ब्रीड, भाषा में लोकल ब्रीड है ये। जी बिल्कुल। तो जखराना के बारे में सर अपन डिटेल लेंगे। जी। तो पहले अभी कितनी बकरियाँ सर अपने पास? सर मेरे पास अभी फिलहाल 100 बकरियाँ करीब है। 100 बकरियाँ। जखराना कितनी है उसके अंदर? सर लगभग 100 जखराना ही है, उसके अलावा ये अपने सिरोही है। सिरोही। सिरोही कितनी है? ये 10-20 बकरियाँ हैं, 10 करीब। तो जो कैपेसिटी क्या है सर अपने फार्म की? अपने फार्म की सर जगह को देखते हुए इससे डबल भी कर सकते हैं अपने। अच्छा। 200 करीब। ये जो आपने बनाया ना, ये पहले वाला फार्म था ना? हाँ ये फार्म चेंज किया आपने? ये अपने थोड़ा सा और बढ़ाया अभी इसको। अच्छा हाँ। तो यहाँ कितनी बकरियाँ हैं अपने पास अभी? यहाँ और टोटल मिला के 100 बकरियाँ। टोटल 100 जखराना की बकरियाँ आपके पास? अच्छा, ये आपकी लोकेशन है? जी बिल्कुल। और ये फार्म अपना ही है सर? ये फार्म सब अपना ही है। जी। कितने बीघा में है सर ये? जी कितना बीघा में? ये 10 बीघा में। 10 बीघा के। जी। अच्छा, तो देखते हैं सर अपना फार्म। आओ दिखाते हैं आपको। ये फर्स्ट लैक्टेशन में भी आई हुई है बकरी। अच्छा, फर्स्ट लैक्टेशन ये है जो अभी फर्स्ट लैक्टेशन है ना। और ये जो जितनी भी दिख रही है सब फर्स्ट लैक्टेशन में ये है। सर, एक बार हमारे को सर जखराना की जो है क्वालिटी बता दीजिए सर। जखराना जी देखो जी हमारे बकरी लाके एक बार अभी मैं वगैरह बता दीजिए अभी लेके आता। ये देखो जैसे ये जखराना बकरी है हमारी। जी जी ठीक है। ये अभी तीसरी बार ब्याई है। हाँ। इसने 2 बच्चे दिए हैं। जी है ना। और इनके एक खासियत देखिए, इनके थोड़े से सींग है ना। हाँ। बहुत आपको मजबूत मिलेंगे। अच्छा। ये सींगों की क्वालिटी कुछ अलग ही दिखने में दिखेगी आपको। अच्छा। ऐसे मतलब बीच में इतना ही गैप मिलेगा। हाँ। है ना। सफ़ेद मुंह मिलेगा। हाँ। सफ़ेद कान मिलेंगे। अच्छा। आँखों के ऊपर सफ़ेद आपको वो मिलेगी। अच्छा। है ना, नीचे से यहाँ तक ये सफ़ेद होता है बिल्कुल। और उसके बाद पूरी बकरी ब्लैक होती है। अच्छा। है ना, ये बिल्कुल सी डिसअपार्ट होती है। हाँ। इसमें बीच में न कोई झील होता है न कोई अलग होता है। हाँ। बिल्कुल ठीक है। इसने अभी 2 बच्चे दिए हैं और इसके नीचे करीब 3 kg दूध है इसमें। अच्छा, 3 किलो दूध होता जी है ना? हाँ, इस बकरी नीचे 3 किलो दूध हमें है फिलहाल अभी। तो सर ये इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह का है उसका हाँ। जो पहचान है काफी खूबसूरत बना देती है इसका। जी बिल्कुल। हाँ जी। एक तो कान का और कान का जो चेहरे हाँ। पे जो घेरा ये जो सफेद आपको दिख रहा है ना, ये एक सुंदरता के हिसाब से बहुत सुंदर लगती है। ये देखो। तो इसकी हिस्ट्री बता दीजिए सर कि पहले ये प्रचलन में थी और? सर ये प्रचलन में तो बहुत टाइम से है लेकिन ये ना अपने थोड़े से ट्रेडिंग में नहीं आई है। अच्छा, ट्रेडिंग में नहीं है क्योंकि ये विलुप्त होती जाती है क्योंकि यहाँ के लोगों ने इसको कम कर दिया। यहाँ का थोड़ा सा कल्चर ऐसा ही हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया समझो या कैसे भी। अच्छा। तो लोग ना इसकी तरफ थोड़ा कम ध्यान देने लगे थे। अच्छा, मतलब लोगों की गलती है कि उसमें हाँ, उन्होंने हाँ, इस पे ध्यान नहीं हाँ, दिया और दूसरे जो नहीं ये दूध में और बच्चों की उसमें उत्पादन क्षमता में हाँ, मैं तो मानता हूँ सबसे आगे ये। अच्छा। यहाँ जितनी बकरियाँ हैं 2 लीटर से 4 लीटर के बीच मेरे पास बकरियाँ हैं अभी। 2 से 4 लीटर दूध दे देते बिल्कुल जी पूरे दिन भर का दोनों टाइम का मिला के। और बच्चे मेरी कोई बकरी होगी जो किसी ने एक दिया होगा नहीं, बाकी ये जो फर्स्ट लैक्टेशन की भी मेरी देखो ये दिखाता हूँ आपको। ये रही ये वाली है, इन सब ने
दो दो बच्चे दिए इन्होंने अभी, ये फर्स्ट बार भी आई है ये, है ना, ये दो दो बच्चे दिए इन्होंने सबने, ये वाली जो ये हाँ उसने बच्चे दे दिए, हाँ ये वाली ये फर्स्ट बार भी आई है, इसने दो बच्चे दिए अभी, बार ये भी आने वाली है, ये आगे जा रही है, ये भी आई है अभी, हाँ ये सब दो दो बार भी आई हुई है, हाँ जी। तो अच्छा सर, अभी पहले आप बात कर रहे थे जैसे पहले अपन ने शूट किया था जो बच्चे वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे थे जी, वो बकरियां अभी ब्याह गई हैं। हाँ हाँ, ये जो आप पिछले बार वीडियो बना रहे थे ना, जब इनके उम्र के जो बच्चे थे, हाँ, ये आपको खेलते हुए दिख रहे, ये वही बकरियां हैं, ये लगभग 1.5 साल करीब हो गए इनको, और ये अभी ताज़ा ही अभी मतलब कि कोई 10 दिन की 15 दिन की ब्याह हुई है इनकी, मतलब 1.5 साल की उम्र है करीब। अच्छा, 1.5 साल में आप, हाँ आप आए उस बात में करीब 1.5 साल करीब हो गया, तब ये इतने थे ये, ये वाली भी उसी के अंदर है। हाँ जी, हाँ जी जी। तो और ये बच्चे, ये बच्चे हैं इनका फिलहाल, ये जो अब आई हैं फर्स्ट बार में, ये उन्हीं के बच्चे हैं ये, ऐसा है जी। तो बच्चे काफी खूबसूरत है सर। हाँ, ये थोड़े से एक्टिव ज्यादा होते हैं, और बच्चों के उछल कूद कुछ ज्यादा ही करते हैं इनके, औरों के अलावा। ये कितने कितने महीने के, ये अभी कोई 10 दिन का है, कोई लास्ट कोई 15 दिन का होगा इनमें। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये 10 से 15 दिन के बीच के ही हैं सभी, ये अपना वो ब्रीडर है, खड़ा उठे ब्रीडर तो काफी हाइट में है। हाँ ब्रीडर, बताइए सर इसकी। हाँ, इसने अभी पूरे दांत किए हैं, और दूसरा अभी ये तैयार होने लग रहा है। अच्छा, ये वाला तैयार हो रहा है। हाँ, ये इसका ही है, और ये इसने अभी दांत पूरे किए हैं अभी। कितने दांत है, 6 दांत पे हो गया? नहीं, 8 दांत, 8 दांत पे हो गया। हाँ, उम्र क्या है सर इसकी? उम्र इसकी लगा लो आप, हो गया 2 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, हाइट क्या है सर इसकी? इसकी हाइट है 44। ये तो नापी हुई होगी? हाँ जी, नाप रखी। इनकी भी सर मतलब वेट वगैरह का है, हाइट का है, तो वो मतलब सिरोही से ही है या मतलब उससे बराबर नहीं है? सिरोही में और इसमें थोड़ा सा अंतर है। हाँ, ये अगर देखा जाए तो एक बहुत ही इम्यूनिटी पावर में मजबूत है ये, उनके अलावा वो आपको दिखने में थोड़े इनसे हैवी दिखेंगे सिरोही के, लेकिन वो इनकी बराबरी तो नहीं कर सकते। वैसे मैं रखता हूँ सिरोही, लेकिन ये तो कुछ अलग ही है, हटके थोड़ा सा। अच्छा, अलग हटके में सर और क्या है इसकी अलग चीज़? ये ना अब ये आपको थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है अभी, इसकी थोड़ी सी खुराक उराक अभी नहीं चालू करी है, बाकी अभी थोड़ा इसका अभी ध्यान देंगे। और बाकी ना ये हर मौसम को ना सहन करते हैं। अच्छा, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो सभी में ना ये थोड़े से बहुत ही इम्यूनिटी पावर अच्छी है। मेरे यहाँ फार्म में ना आपको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। अच्छा, ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे को, मैं सिर्फ वैक्सीनेशन तो करवाता हूँ इनका। हाँ, वो भी ईटी का हो गया और ये खुरपका के जो भी हैं यही करवाता हूँ, बाकी मैं अलग से कुछ इनके स्पेशल दवाइयाँ नहीं, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे को इनकी। इनके इनके ऊपर दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतनी अच्छी इनकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पावर है कि मेरे को इनकी आवश्यकता ही नहीं दवाइयों की, सीधी बात तो ये है। तो सर इसके अंदर आप सेल भी करते हैं? हाँ, सेल भी करते हैं, सेल भी करते हैं। सेल जैसे अब मान लो ये फर्स्ट बार भी आई हैं, अब धीरे धीरे बड़ी होंगी, इनको निकाल देंगे, फिर पीछे पीछे भी ये और तैयार हो जाएंगी, ऐसे हम मतलब खुद फार्म में तैयार करते हैं अपने। अच्छा, बच्चे कितने हैं अभी? अब फिलहाल छोटे बच्चे तो मेरे पास 30 के करीब हैं। 30 के करीब, तो मतलब इसमें जैसे बिकाऊ है तो बिकाऊ कितने के हैं आपके पास? बिकाऊ वो तो मतलब ऐसा है कि जैसे अगली पार्टी के ऊपर है। अच्छा, मतलब कहाँ तक, कितनी तक सेल कर सकते हैं? मैं कम से कम 20-30-50 बकरे तक कर सकता हूँ। बेच अगर किसी को चाहिए बंदे को कि 30 का या 21 का या 40 का जी या 50 का बेच है, तो वो आप मतलब उनको दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ, अच्छा, क्योंकि अब मेरे पास अवेलेबल है इस टाइम, अवेलेबल है। हाँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं खरीद के लाया फिर यहाँ से ला के बेच दी, वो नहीं। अब मेरे पास अवेलेबल है तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ, नहीं है तो कह देंगे भाई अभी तैयार नहीं हुई है। और वैसे भी सर आपका तो ये इलाका है। हाँ, काफी लोग पालते हैं, तो हाँ, किसान लोग ही पालते हैं। हाँ, हमारे तो किसान लोग नहीं, हमारे वो एक स्पेशल ट्रेडिंग वाला काम नहीं है हमारे एरिया में, सिर्फ यही है कि अपने पालते हैं और बेचते हैं लोग। हाँ, तो हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब था कि आपके जो क्षेत्र के अंदर है काफी आपकी मतलब वैसे भी आपकी पहचान है। मान लो किसी बेच के अंदर 2-4-5 बकरियां कम भी पड़ती है
तो आप अरेंज करवा के उसका बेच आप बंदा कहे नहीं मेरे को तो पूरी करके दे, मेरे को तो इतनी बकरियां चाहिए ही चाहिए, तो फिर अपने यहाँ दाएं बाएं रिस्क कर सकते हैं जो भी अपना अपने को समझ में आ रहा है। भटकने की जरूरत नहीं, भटकने नहीं देंगे। रेट वगैरह का क्या रहेगा सर? रेट ये कुछ ज्यादा मतलब वो हाई पाई वाली बात नहीं है, ये मतलब एक मीडियम ही रेट है इनका, 20 से 25 हज़ार रुपए तक की। अच्छा, बकरी हाँ वही सिरोही वाला हिसाब किताब। हाँ, वो कोई खास वो नहीं कि भाई इनके दूध ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो मतलब इनके कुछ ऐसे पैसे मांग लिए कि अगला दे ही ना पाए, ऐसा नहीं है, मतलब एक मीडियम रेंज में ही है। मतलब इसका मतलब ये सुना हुआ कि जैसे ये दूध जो दूध की कैपेसिटी है और इम्यूनिटी पावर है। हाँ, इम्यूनिटी पावर अच्छी है, दूध की कैपेसिटी बढ़िया है, बच्चों का प्रोडक्शन अच्छा है, ये सब देखते हुए मतलब सबसे बढ़िया बकरी है ब्रीड में। तो अपने कॉन्टैक्ट नंबर सर? सर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 80 94 320 650 जी।